देश तो है लेकिन इंडिया जैसा नहीं है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो सब? सारे के सारे बढ़िया हो गए? मजे करना यार। वैसे ही अभी लॉकडाउन लग रहा है, तो अपना घर में रहो, घर वालों के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो कर लो यार। घर से दूर जाते हो तब पता लगता है कि यार इतना टाइम था तब नहीं, इतना घर पे रह पाए, बात कर पाए, घर वालों के साथ रह पाए। इसके अलावा यार बहुत दिन से व्लॉग आ नहीं रहा था। व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा वापस जो ट्रेनिंग और क्लासेस और फिर जिम पूरा सेम शेड्यूल था, तो इसलिए मैं डाला नहीं। तो आज अपना दिन मतलब भाई वीकेंड हो रहा है, वीकेंड आया नहीं है लेकिन हाँ मतलब वीक ख़त्म होता आ रहा है। ठंडी तो बहुत है यार, ठंडी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। दो तीन डिग्री है अभी भी। रात को चल जाता -3 -4 दो तीन बजे करीब। तो अभी बाहर का मौसम देख लो ऐसा हो रहा है। धूप तो अच्छी आ रही है लेकिन धूप की वजह से पता नहीं लगता। ये हमारा जो कॉलेज बताया था मैंने, सामने पड़ता हुई है, बर्फ़ की वेट हो रही कब पड़ जाए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपको आगे। ओके बाय। अभी हम निकल गए हैं उधर जो सुपरमार्केट है। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि यहाँ कई लोग मेरे से कह रहे थे कि भाई उसका बताओ कि यहाँ रेट पैसे का क्या रहता है, कितना कितना खाने को लग जाता है, और यूजली जनरल जो प्राइस है सामान का वो क्या रहता है। तो आज अपन जा रहे हैं यहाँ का सस्ता सुपरमार्केट, गरीबों का सुपरमार्केट। और भी अच्छे, लेकिन अपने सबसे पास और फिजिबल जो है वो यही है दिया। ठीक है, तो अब अंदर जाके मिलते हैं आपसे। तो भाइयों, आज हमारे जो साथी हैं जो हमारा रिव्यू करने वाले हैं वो है, दिखा दूं क्या? दुकान है भाई की। तो अब हम दिखाते हैं, चलो आपको स्टार्टिंग से सबसे बेसिक पे आ जाते हैं। सबसे बेसिक हमारे सामने ये है, दूध। यहाँ है दूध, गाय का, भैंस का, सब इक्वल है। 66 सेंट्स के आसपास। 66 सेंट कितना हो गया? 50-60 रुपए के आसपास। इंडिया में भी इतना ही होता है गाय का भैंस का दूध। इंडिया में तो पैकेट वाला सीन रहता है ना। हाँ, पैकेट वाला सीन रहता है, लेकिन 60 रुपए लीटर तो भैंस का दूध आता है, मतलब पुणे में तो भी। और ये है यहाँ के लोकल चावल जो आसपास आते हैं, एक यूरो के मतलब 90 रुपए के आसपास आते हैं। में लोकल चावल आ जाते हैं 40-50 रुपए किलो, बहुत ज़्यादा हो गया। तो चावल थोड़े महंगे हैं यहाँ पर। और ये बासमती तो आसमान छू रहा है, 200-250 रुपए किलो है। ये महंगी चीज़ें नहीं खाते ये। और ये दाल और छोले और लेंटिल्स जितने भी हैं लगभग इसमें सेम ही प्राइस है। और ये तो दाल हो गई, ये यहाँ के राजमा हो गए। इनके राजमा अपने जैसे नहीं रहते। ये नीचे छोले हो गए जो मैं दिन में बनाए थे। और इसका क्या प्राइस है? देखिए, इसका 63 है। जो ऐसे हैं बॉइल्ड ऑलरेडी वो 63 के हैं, और जो बॉइल्ड नहीं है, जो वैसे हैं ड्राई वाले, वो महंगे हैं थोड़े, 2-5 के हैं। तो 2-5 कितना हो गया? 2-5 हो गया लगभग 180। ठीक है, अब दूध तो ये है। यहाँ की चिप्स लेस तो है लेकिन इंडिया जैसा तीखा कुछ भी नहीं मिलता। और ये है लगभग 120 रुपए के आसपास, 120-130 रुपए के आसपास। इंडिया में 50 का 30-35 का मिल जाता है मेरे दुकान में। लेना अगर कोई है उधर तो। ये देखो अंडे, ये सोने के कि महंगे है बहुत। और 180 रुपए के आसपास 12 अंडे आ जाते हैं। इतने में मेरे इधर 3 डजन आएंगे। यहाँ 1 डजन ही आते हैं, मैं अंडे नहीं खाता, पैसे बहुत लगते हैं। तो भाई अभी आ जाते हैं अपने इस पे वर्दूराज पे, वेजिटेबल्स कहाँ से शुरू? शिमला मिर्च। भाई साहब
तो दो आ जाएंगी अपने इसमें। तीन दिन का खाना है तो। तीन दिन का खाना। और ये 2 यूरो किलो के हिसाब से मतलब 180 रुपए किलो है। पनीर, पनीर के भाव बिक रही है। थोड़े दिनों में सोने के दुकाने में मिलेगी शिमला मिर्च। और ये, ये क्या है? बैंगन का भरता तो बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। ये भी सेम प्राइस का है शिमला मिर्च जैसा। थोड़े दिनों में इनके स्टॉक्स खरीद लो जो भी लेना है। बाकी तो बेसिक्स सेम ही है। ये थोड़ी कलरफुल हो गई सिर्फ रेड के अलावा। ये पेपिनो क्यूकम्बर हो गया। वे ये प्याज 90 रुपए किलो, ज़्यादा नहीं। इंडिया में भी छू लिया था, अभी भी होगा शायद। अरे लेकिन ये यहाँ की वाली प्याज है, ये इंडिया वाली प्याज भी अलग है। इन पे वो बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी। ये वाली तो फिर भी सस्ती है, ये वाली तो फिर भी सस्ती है। ये यहाँ का चोकोस बोलेंगे तो आप, ये लगभग 250-260 रुपये का है। इंडिया में 500 ग्राम 2 आ जाएंगे, डेढ़। लेकिन यहाँ महंगा है। ब्रांड वाली चीज़ें काफ़ी महंगी है, कंपेयर करेंगे आप इंडिया से तो हर चीज़। और यूजुअली अपन जो लेते हैं वो ये वाला लेते हैं। 1 किलो में अपने को ये है, 1 किलो 1 kg जो होता है 189 का पड़ जाता है, मतलब 2 यूरो के आसपास पड़ जाता है। मतलब एडेड एक्स्ट्रा कुछ होता नहीं है। और अपना मूसली का मूसली हो गया, दूसरा थोड़ा हेल्दी भी रहता है, शुगर कंटेंट भी थोड़ा कम रहता है इसका, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ओट्स और सब कुछ रहता है। अपन अब आ गए दही पे। ये सारा वो है योगर्ट, फ्लेवर्ड भी है, नेचुरल भी है। ये जो उठाने वाला नेचुरल है, आप गेस करो, 120 लगभग 1 किलो का है। और 1 किलो का मेरे में आ जाता है लगभग 130-140 रुपये का। और यहाँ पर है लगभग 3.5 यूरो जो कि है 320। बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो दही मैं तो खाया नहीं आज तक यहाँ पर, दही तो पता नहीं इसका भी प्राइस नहीं मालूम। यूजुअली जो सैलड वैलड खाने वाले लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं सीजर सॉस और योगर्ट सॉस। और उसके अलावा अपने पास जो नॉर्मल बेसिक मेयोनीज होती है, योगी मस्टर्ड सॉस, इनके पास इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है। ये इनके सॉस अच्छे नहीं है, मुझे नहीं पसंद। सालसा ब्रावा हो गई, ये बारबेक्यू सॉस केचप है, खाली केचप 80 रुपए की है, सॉरी 80 रुपए के आसपास मिल। इंडिया क्या सीन रहता है, कितने की पड़ती है? इतनी आसपास ही पड़ेगी, इतने प्राइस में। ये तो दिया की है, हाइंस की देख लो। लूट मची है, लूट। ये हो गया अपना, अरे वो कहां गया, टोमेटो प्यूरी। ये आ गई अपनी टोमेटो प्यूरी, ऑरलैंडो की ओरिजिनल वाला वो है। ये हो गया अपना तोर्शिया रोटी, इंडियन क्या बोल रहा हूँ, मैदे की रोटी। मैदे की रोटी अच्छी लगती है, मतलब ज़्यादा कुछ सिस्टम काम धंधा नहीं है इसके अंदर की। आटा गूंदो, कुछ करो अपना, सीधा सीधा जाओ और तवे पर रख दो, खा लो, खत्म। तेल अगर आप देखा जाए तो लगभग तेल का हिसाब लगा सेम प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन अगला हम जो दिखाएंगे वो थोड़ा नॉनवेज वाला पार्ट है। कोई नॉनवेज ना खाता हो ना आप में तो उसको स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 मिनट में जितना भी रहता है स्किप कर दो, और जो खाता है उसको देखने में मजा आएगा, क्योंकि नॉनवेज में बहुत ऑप्शन मिलते हैं यहाँ। देखो ये तो पूरा 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 पोर्शन हो गया चिकन का, कितने का पड़ता है? ये पड़ता है किलो के हिसाब से 3 यूरो पर किलो। तो मतलब 600, ये लगभग 2 किलो के आसपास है। 6 यूरो का है तो 550 रुपये किलो। और यूजली जो अपन लेते हैं वो ये वाला लेते हैं चिकन का चेस्ट। इसके अलावा ये है पावो, और ये है पिग, ये पिग है। मेरे को नहीं पसंद भाई ये, मैं यूजली चिकन ही खाता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं खाता। मेरे को फिश भी नहीं पसंद, अजीब सा लगता है। फिश आ गई, ये ऑक्टोपस हो रहा, कोई ऑक्टोपस का शौकीन हो, कोई खाता हो ऑक्टोपस के पैर के लिए। और ये आ गया अपना बियर का सिस्टम, आधा इंडिया जिस बीमारी से जूझ रहा है, आधे से ज़्यादा।
ये है 70-80 रुपए के आसपास। इंडिया में पता नहीं, इंडिया में आईडिया नहीं यार, इंडिया में तुम हिसाब लगाना जैसा भी रहता है। हाँ। ये अपनी जो कोरोना ही ना है, कोरोनीता बना दिया, तो कोरोना को कोरोनीता बना दिया। हाँ भाई कोरोना ही है, ठीक है। अरे हाँ ये लिखा कोरोना ही है, तो ये पड़ती अपनी लिखा ही नहीं। छह बॉटल 250 को आती है, 250 मतलब 220 को 6 बॉटल कोरोना, 6 बोतल मिल जाती है। कितने 250 ml 210 ml ठीक है भाई। ये आ गया अपना आइसक्रीम वाला पार्ट। आइसक्रीम बहुत महंगी है यहाँ पर, ठीक है। अरे 2-9 की कितने 6 पार्ट। दोस्तों खाने का हो गया, अब हम आ गए निकालने पर, और इससे साफ सफाई की जाती है शरीर की। तो यहाँ पे जैसे सबको पता है पानी नहीं मिलता, कागज से काम चलाना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि जब पुराने जमाने में या ठंडी पड़ती थी तो लोगों को पानी से धोने में तकलीफ होती थी, तो इसके लिए वो पत्थर पौधे पेड़ जो मिल जाता था उसके बाद पेपर ने रिप्लेस कर दिया। पेपर ही चल रहा है। कितने का पड़ता है आप बताओ? धोने के लिए आपको महीने में 200-300 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। किस जगह का हिसाब है? इंडिया में मुफ्त में हो जाता है पानी। लो अभी शैम्पू अगर आप यहाँ का ही देखो तो आपको मिल जाएगा 120-110 रुपए, मतलब जो नॉर्मली पैंटीन वैंटीन या फिर हेड एंड शोल्डर जो भी आपको वहाँ मिल जाएगा यही प्राइस रहेंगे। लेकिन ब्रांड का देखते हो जैसे ये पैंटीन है यहाँ पर, और इसके साथ और एक दो चीज़ें, लेकिन काफ़ी महंगा है ये। आपको मिल जाएगा अराउंड 350-360 के आसपास, तो थोड़ा बहुत महंगा है। जो ब्रांड है वो जो यहाँ के लोकल है वो इंडिया के प्राइस में आपको लगभग मिल जाएंगे। ये अपने आलू यहाँ यूजली 1 किलो देखता हूँ, ये है ना 1 किलो मिल जाता है अपने को 159 का, और अपने हैंड पिक करना होता है यहाँ से खुद उठाओ। और अगर पैकेट वाला लेते हैं तो थोड़ा डिस्काउंट कुछ ना कुछ इनका ऑफर रहता ही है, तो पैकेट के हिसाब से 3 किलो पड़ जाता है 4.15 का। 4.15 कितना हो गया? 360-370 करीब मिल जाता है 3 किलो। तो अपना हिसाब लगाओ कितना डिफरेंस आ जाता है, इतना मेरे को वहाँ का आइडिया नहीं है। और ये अपनी इंडिया में जो प्याज यूज़ नहीं करते यूजली अपन, वो मिलती है ये यहाँ पर आधा किलो मिल रहा है 90 रुपए का। तो इंडिया में कितने का मिलता है पता नहीं, लेकिन बीच में तो छू लिया था 110। उत्तरी ये हो गया अपने सेब, संतरे, कीवी, पेयर, स्ट्रॉबेरी। तो सेब अपने पड़ते कितने के? अबे नहीं पता, यहाँ यहाँ देख लेना फिर क्या लिखा है। डेढ़ यूरो। डेढ़ यूरो मतलब कितना हो गया? 130-140। यस 1 यूरो मतलब 80 रुपए। 80 नहीं 80 समथिंग, गरीबों के सेब है 83। ये एक साथ पैकेट में मिलते हैं सारे, गरीब जो नीचे गिरे हुए होते हैं वो उठा के थैली में डाल के। ये स्ट्रॉबेरी कितनी की पड़ रही है? कभी आओ हमारे महाबलेश्वर, आपको स्ट्रॉबेरी खिलाऊंगा। ये क्या नकली है पैक्ड। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही था। आज मेरे को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव टाइप में बनाना था कि बताना था क्या क्या सिस्टम यहाँ ग्रोसरी का रहता है और क्या बेसिक रेट्स हैं। थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल गया होगा, बाकी अब अपन इसके बाद अगले व्लॉग में मिलते हैं। आगे लोग जैसे अब किसी को यूरोप में और स्पेन में आने का सोचता हो या कुछ आगे सोच रहा हो कि सिर्फ एक वेकेशन के लिए ही आए, तो उसके लिए एक जनरल आइडिया के हिसाब से है तो उसके लिए एक जनरल आइडिया के हिसाब से है तो उसको आप आगे भेज सकते हो। आगे आपका कोई दोस्त हो वैसे हो उसको आगे बताना इसके बारे में, वीडियो के बारे में। बाकी तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आते रहेंगे आगे, और कुछ चैलेंज भी करेंगे अपन। बाकी आज का करते हैं ख़त्म, गुड बाय बाय। बस हाँ क्या जीजा जी है मेरे उधर, चल जीजा जी चलो। ओके बाय गाइस, गुड नाइट। मिशेल के चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।